मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इसके पहले प्रत्याशियों के द्वारा अपने नामांकन दाखिल किए जाने लगे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ भाजपा ने छिंदवाड़ा विधानसभा से विवेक बंटी साहू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस बीच एशियन भारत के संवाददाता आशीष मालवीय ने कांग्रेस नेता और युवा महापौर विक्रम आहके से खास चर्चा की। मध्य प्रदेश में फिर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ कई सालों का एक्सपीरियंस कमलनाथ जी के पास है, वहीं उनके साथ विवेक बंटी साहू कमलनाथ जी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाला समय जो होगा मध्य प्रदेश चुनाव का, वो क्या होगा, हम सीधे युवा महापौर विक्रम आहके जी हमारे साथ है, बहुत करीब से उनने इन राजनीति को देखा है और मध्य प्रदेश के सबसे युवा महापौर छिंदवाड़ा के बने हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि क्या छिंदवाड़ा की राजनीति पे अभी उबाल आ रहा है। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन भारत न्यूज चैनल पर। विक्रम जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, क्या कहना चाहेंगे? कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश के चेहरा है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक मिनट देखिए, जैसा आपने कहा कि कमलनाथ जी पूरे प्रदेश का सीएम के चेहरे हैं और पिछली बार भी आदरणीय कमलनाथ जी के नाम पर और छिंदवाड़ा विकास मॉडल के नाम पर प्रदेश की जनता ने छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नाम पर वोट किया था और सरकार बनी थी, लेकिन छल बल से कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई। किंतु अभी आपने जिक्र किया कि क्या कहना चाहेंगे छिंदवाड़ा की सीट के बारे में, तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा की जनता कमलनाथ जी के बारे में जानती है। कमलनाथ जी की कार्य क्षमता उन्हें पता है। कमलनाथ जी का राजनीतिक करियर लगभग 9 बार के सांसद और कई बार अनेकों पदों पर उन्होंने नेशनल लेवल पर छिंदवाड़ा को गौरवान्वित करने का काम किया है। जबकि चूंकि उनके विरोधी प्रत्याशी के रूप में आप कहें तो उनकी 20 साल से सरकार है, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, छिंदवाड़ा में जो माननीय कमलनाथ जी ने विकास के कार्य लाए थे उसको रोकने का काम यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा किया। क्या कमलनाथ जी, कहा जाए कि जो अपनी जीत है क्या बरकरार रखेंगे? क्या निश्चित तौर पर ये छिंदवाड़ा की जनता अपने प्यार और आशीर्वाद 44 सालों से आदरणीय कमलनाथ जी को दिया है और इसका परिणाम है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक परिवार के मुखिया के रूप में छिंदवाड़ा की सेवा की है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कोरोना काल का मंजर था उस समय कमलनाथ जी सरकार से हट गए थे, पूरे देश में त्राही त्राही मची थी, लेकिन छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला था जहाँ आदरणीय कमलनाथ जी ने ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होने दी, बल्कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन थी। ये परिणाम है कमलनाथ जी की सोच का, उनके संबंधों का। उन्होंने यहाँ पर फेविक्लू टैबलेट उपलब्ध कराई, उन्होंने रेमडेसिविर उपलब्ध कराई और छिंदवाड़ा में जो विकास होने चाहिए, जो प्रदेश के अन्य महानगरों में जो विकास होना चाहिए वो विकास काम करने का आदरणीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में किया। छिंदवाड़ा का विकास मॉडल, आज छिंदवाड़ा में अच्छी सड़कें हैं, नेशनल हाईवे हैं, हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तमाम तरीके के स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमारे पास हैं और जो एक बड़े शहरों में होना चाहिए वो हर चीज़ छिंदवाड़ा में है, जिसका परिणाम है कि प्रदेश की जनता भी अपने अपने जिलों में, अपने क्षेत्रों में छिंदवाड़ा जैसा विकास कराना चाहती है, ना कि बुधनी जैसा। विक्रम जी, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि हर 15 दिन में, हर 10 दिन में एक केंद्रीय मंत्री छिंदवाड़ा आ रहा है कमलनाथ जी को घेरने के लिए, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? देखिए, छिंदवाड़ा में कोई कितनी घेरने की कोशिश करे, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छिंदवाड़ा का मजाक किया है। हमेशा कोई ना कोई नेता आता है, जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी आए, उन्होंने कहा कि मैं छिंदवाड़ा को गोद ले लेता हूँ। कुछ समय पूर्व प्रहलाद पटेल आए, उन्होंने कहा कि मैं छिंदवाड़ा को गोद ले लेता हूँ। कभी यहाँ के कमल पटेल प्रभारी मंत्री जी आते हैं कि मैं छिंदवाड़ा को गोद ले लेता हूँ, लेकिन गोद लेना नाम मात्र का नहीं होता। आज अमित शाह जी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी जी आ रही हैं, गिरिराज सिंह जी आ रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा को खोखले भाषणों के अलावा ये भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या देखा जा रहे हैं? छिंदवाड़ा की भूख बड़ी है, जो कमलनाथ जी ने हमेशा, जब भी वो केंद्रीय मंत्री होते थे तो छिंदवाड़ा जब उनका दौरा होता था तो 300 करोड़ 400 करोड़ की परियोजनाएं छिंदवाड़ा को सौगात देकर जाते थे। ये घेरने की बजाय इन्हें माफ़ी मांगना चाहिए छिंदवाड़ा से, जिन्होंने छिंदवाड़ा के विकास कार्यों को रोका है। समय में और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, कल आदरणीय कमलनाथ जी का नामांकन रैली है और छिंदवाड़ा में
जीत और हार की बात नहीं है, लीड कितने से मिलेगी इस चीज़ की बात है। और कमलनाथ जी ने हमेशा और छिंदवाड़ा ने हमेशा कमलनाथ जी को प्यार दिया है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा ज़िले की जनता पुनः आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी को आशीर्वाद देगी और उन्हें विधानसभा में पहुँच कर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए। विक्रम जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो जनता के बीच में सवाल होते हैं कि जो छिंदवाड़ा शहर में अधूरे निर्माण कार्य पड़े हुए हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा जी, मीडिया के सामने आकर कहते थे, रोते थे कि कमलनाथ जी अपना पूरा विकास का पैसा छिंदवाड़ा ले गए, विकास का पैसा, पूरी परियोजनाएँ छिंदवाड़ा ले गए। अब ले जाना भी क्यों नहीं चाहिए, कमलनाथ जी और कमलनाथ जी जैसे अनेक जनप्रतिनिधियों की सोच होना चाहिए कि जहाँ से जिस जनता की बदौलत वो जीत कर आए हैं अपने क्षेत्र का विकास करवाएं। और उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री बने लगभग 20,000 करोड़ की योजनाएं छिंदवाड़ा में स्वीकृत कराई, जिसमें हमारा 1400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, लगभग 500 करोड़ की यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, एयरपोर्ट और तमाम तरीके के हमारे स्टेडियम ग्राउंड और जो सुविधाएँ, सुख सुविधाएँ, हमारा माचागोरा का पानी जैसी तमाम सुविधाएँ लाने का काम आदरणीय कमलनाथ जी ने किया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के कारण हमारी यूनिवर्सिटी आज उसका फंड आधा कर दिया गया, हमारी यूनिवर्सिटी का तो पैसा दिया नहीं गया, मेडिकल कॉलेज का फंड आधा कर दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, इनको सबको रोक दिया गया, हमारे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अटका दिए गए। तो ये सारे काम जो विकास के रुके हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने रोकी है, लेकिन ज़्यादा समय की बात नहीं है, एक महीने के बाद पुनः आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये जो रुके हुए विकास के कार्य हैं वो पुनः शीघ्रता से चालू होंगे। विक्रम जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाजपा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है कि कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया, इसमें क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो विकास है वो दिखता है और कमलनाथ जी ने हर वो काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क, बिजली, पानी और तमाम तरीके की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 44 सालों तक इस छिंदवाड़ा में आपसी भाईचारे, शांति का प्रतीक, सौहार्द का वातावरण अगर है तो वो कमलनाथ जी की वजह से है, जिसको आने वाले समय छिंदवाड़ा की जनता हमेशा बनाए रखेगी। हमारे साथ थे युवा महापौर विक्रम याके, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे युवा महापौर है। कमलनाथ जी ने बहुत विश्वास के तौर पे इन्हें यहाँ पर टिकट दिया था और जीत कर भी ये महापौर बने। अब आने वाले समय पे देखना होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार में कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और छिंदवाड़ा की और क्या दशा और दिशा बदलेगी। कैमरामैन सत्यम के साथ आशीष मालवी, छिंदवाड़ा।